क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रल ई की पावर एक्स बाई टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास गिवन है जीरो से टू तक, जीरो से टू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप इंटीग्रल को, इंटीग्रल के अंदर दो वैल्यूज हैं तो आप इंटीग्रल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी पहली वैल्यू का इंटीग्रल आ जाएगा जीरो से टू ई की पावर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस, फिर ये दूसरी वैल्यू का इंटीग्रल आ जाएगा जीरो से टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जो इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है कि e की पावर ए एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है बेटा e की पावर ए एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है a, e की पावर ए एक्स ओवर a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है e की पावर x बाई टू, तो e की पावर x बाई टू को आप लिख सकते हैं इस तरह e की पावर 1 बाई टू इंटू एक्स, तो आपका यहाँ पर जो a है वो 1 बाई टू है, यानी जो पहला आपका इंटीग्रल है उसका आंसर बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से e की पावर x बाई टू पहले एज इट आ जाएगा ओवर कोफिशेंट ऑफ x, तो कोफिशेंट ऑफ x है यहाँ पर 1 बाई टू, ये इस पहले इंटीग्रल की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ गई 0 से 2 तक माइनस। इसी तरह ही आपके पास जो दूसरा इंटीग्रल है, सिमिलरली जो सेकंड इंटीग्रल आपका है इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स बाई टू ओवर कोफिशेंट ऑफ x, तो कोफिशेंट ऑफ x यहाँ पर है माइनस वन बाई टू, और आगे आ जाएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टू। अब इस मरतबा चूँकि आपका इंटीग्रल जो है वह डेफिनेट इंटीग्रल है, आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी ऐड नहीं करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन होती है। अब यहाँ पर ये वन बाई टू उलट जाएगा, ऊपर बन जाएगा टू, टू बन जाएगा ये, और अब आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स की जगह पहले आप लिखेंगे टू, टू बाई टू माइनस, अब एक्स की जगह आप लिखेंगे जीरो, जीरो ओवर टू, फिर ये वाला जो वन बाई टू है माइनस वन बाई टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा टू टाइम, इसी तरह यहाँ पर एक्स की जगह आप लिखोगे माइनस टू बाई टू माइनस ई की पावर माइनस जीरो ओवर टू, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी इस तरीके से कुछ, टू टाइम पहला आ जाएगा ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर वन रह जाएगा, और ये अगला आ जाएगा ई की पावर जीरो, तो ई की पावर जीरो कितना होता है वन, फिर ये आ जाएगा जी प्लस टू टाइम, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई का इनवर्स यानी ई की पावर माइनस वन, और यहाँ पर ई की पावर जीरो डैट इज़ वन। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट्स को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये टू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टू टाइम ई माइनस टू प्लस टू टाइम ई का इनवर्स माइनस टू, ये बन जाएगा जी टू, ये ई वाली वैल्यूज में से टू कॉमन निकाल लिया, ये रहेगा ई प्लस ई का इनवर्स, और ये आ जाएगा माइनस फोर। नेक्स्ट ये आपके पास इसको मज़ीद आप सोल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं सोल्व करना तो इतना भी लिख सकते हैं, मज़ीद सोल्व करना है तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे ई प्लस वन ओवर ई माइनस फोर। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा टू टाइम ई का स्केयर प्लस वन ओवर ई माइनस फोर, और फाइनली मज़ीद अगर सॉल्व करें तो इसका एलसीएम दोबारा आप लेंगे तो याद आएगा ई स्केयर प्लस वन माइनस फोर टाइम ई ओवर ई, ये इसका फाइनल आंसर होगा। वैसे तो आप यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर फाइनल ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टू कोस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर की इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये करेंगे, नीचे यहाँ पर टू लिखा हुआ है इसको बाहर ले आए, ये आ जाएगा वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर,
और अंदर आप ये फ्रैक्शन ज़्यादा कर दें, यानी कि इसको लिख लें कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। ये आपको पास आ जाएगा 1/2 0 टू पाई बाय 4, कॉस और कॉस स्क्वायर कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1/cos और 1/cos क्या होता है सिकंड थीटा, ये साइन ये लिखा हुआ साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा। अब साइन ओवर कॉस थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है सिकंड थीटा। अब आप यहाँ पर आकर जो इंटीग्रल है दो इसमें डिवाइड कर देंगे 1/2 0 टू पाई बाय 4 सेकंड थीटा इनटू डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाय 4 टेन थीटा इनटू सेकंड थीटा इनटू डी थीटा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ टेन सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए बस, तो सेकंड थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो होती है जी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है मुझे बात ये। और ऊपर आपने लगा दी इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो है 0 टू पाई बाय 4, इधर भी ब्रैकेट आपने लगा दी, ठीक है जी 0 टू पाई बाय 4। आगे चलें प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा, टेन थीटा सेकंड थीटा ये किसकी इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी इंडिकेशन है सेकंड थीटा। अगर आप इसकी इंडिकेशन भूल जाए तो आप ये सोचा करें कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है सेकंड थीटा का, ठीक है टेन थीटा सेकंड थीटा जो है वो डेरिवेटिव है सेकंड थीटा का, लिहाजा इसकी इंडिकेशन सेकंड थीटा हो जाएगी। और ये आ गया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 और ये आपकी ब्रैकेट क्लॉज। अब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हुए स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, बी केयरफुल। पहले सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ सेकंड थीटा की जगह लिखेंगे सेकंड पाई बाय 4, फिर आएगा टेन पाई बाय 4, ये आपने अपर लिमिट अप्लाई कर दी, फिर माइनस फार्मूले का। अब लोअर लिमिट लॉग ऑफ सेकंड 0 प्लस टेन 0, ये आपने यहाँ पर सॉरी मैंने सेकंड 0 लिखना है, यहाँ पर टेन 0 आ जाएगा। ये आपने अप्लाई की है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले, आगे चलें प्लस अप्लाई करें सेकंड पाई बाय 4, ये आ जाएगा सेकंड पाई बाय 4 माइनस सेकंड 0, ये आपने दूसरी ब्रैकेट में अप्लाई कर दी, ये मैंने कर दी ब्रैकेट क्लॉज। अब यहाँ से सेकंड पाई बाय 4 की वैल्यू आप कैसे निकालें, देखें जी सेकंड पाई बाय 4 निकाल लें आपने तो सेकंड किसका उलट होता है, सेकंड उलट होता है कोस का, इसे लिख लेंगे 1/cos पाई बाय 4। अब कोस पाई बाय 4 यानी कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 ये उलट जाएगा तो सेकंड पाई बाय 4 का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के बराबर, ठीक होगी बात ये। तो अब यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड पाई बाय 4, यानी सेकंड पाई बाय 4 का आंसर आ गया 1/√2 टेन पाई बाय 4, टेन 45, टेन 45 होता है 1, ये आ गया 1 के बराबर माइनस सेकंड 0, सेकंड 0 यानी सेकंड 0 का मतलब कॉस 0 पहले निकालें, कॉस 0 1 है उसका रेसिप्रोकल कर लें 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस टेन 0, टेन 0 होता है 0 के बराबर, ये 0 आ गया, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गई। आगे प्लस अब सीकेंड पाई बाय 4 हमने भी सॉल्व किया, ये अंडर रूट 2 के बराबर है माइनस ये है सीकेंड 0, सीकेंड थीटा नहीं लिखा, सीकेंड 0, सीकेंड 0 1 के बराबर, सीकेंड 0 कैसे निकलेगा, सीकेंड 0 निकलेगा आपके पास 1/cos 0 और cos 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो 1/1 डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जी 1/2
इसको ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट टू, ये बन गया एल एन वन, ये बन रह जाएगा एल एन वन नेचुरल लॉग ऑफ वन होता है जीरो हो गया, बाकी रह गया प्लस अंडर रूट टू माइनस वन, ये जनाब इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, 0 to π/6 इंटीग्रल कॉस क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन आपने करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस क्यूब को ब्रेक कर लेते हैं, कॉस क्यूब को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो पहले वाला कॉस स्क्वायर है इसको हम साइन में बदल लेते हैं, यानी कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा अब इस कॉस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा जी 0 to π/6 और इंटीग्रल भी आप लहदा कर दें साथ ही, 0 to π/6 कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो पहला इंटीग्रल है इसमें कॉस की इंटीग्रेशन होती है आप जानते हैं साइन थीटा, और ये लिमिट आ गई इसकी 0 to π/6। अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड इंटीग्रल में दो फंक्शन है, एक साइन स्क्वायर है दूसरा कॉस है। आप जानते हैं कि साइन का जो डेरिवेटिव है कॉस थीटा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो फिर क्या करेंगे, साइन की पावर में आप प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे साइन क्यूब थीटा ओवर 3 और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 to π/6। अच्छा जी अब आप ऐसा करें कि इसमें लिमिट सप्लाई कर दें, तो ये पहले थीटा की जगह आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा साइन π/6 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा साइन 0 माइनस, ये जो 1/3 है इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लें, और ये आ जाएगा साइन क्यूब π/6 माइनस साइन क्यूब 0। अच्छा जी अब यहाँ पर साइन π/6 जो है, साइन π/6 का मतलब है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 होता है 1/2, ये आ गया 1/2, और साइन 0 0 है तो ये 0 आ गया, माइनस 1/3, ये साइन π/6 का क्यूब है, तो साइन π/6 की कीमत कितनी है, 1/2, तो 1/2 का क्यूब लेना आपने, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8 माइनस साइन 0, साइन 0 कितना 0, तो 0 का क्यूब भी 0, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/24। यहाँ पर आप इसका निकाल लेंगे एलसीएम, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 12 माइनस 1, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 11/24 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का, माइक की शायद कोई मसला था, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 17 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ जी।